गुमशुदा राजवंती। करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घरवालों ने घरुंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई, ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदी के इस रहस्यमय मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक यह है कि जिस रोज़ से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज़ उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घरवाले बाहर थे। जब घरवाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घरवालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस वालों ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घरवालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब CIA स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल है कि मरी कौन थी। जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। फेसबुक पर हुआ अफेयर, अंतिमा ने बताई कहानी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घरवाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखी थी, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घरवाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई, तो भी पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रह रही थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया। ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।